ये अच्छे से मिक्स हो गया, हमारा कलर चेंज हो गया है, कोई भी गिल्टी नहीं है इसके अंदर। अब हम इसमें दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसमें कोई भी गिल्टी नहीं आनी चाहिए आपको। देखिए जैसे अब हमारा ये उबाल आना शुरू हो गया, जैसे ये गाढ़ा होना शुरू होगा वैसे बनना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें मिक्स हर्ब्स डाल रहे हैं, ऑर्गेनो। अगर आपने चीज़ वाली बनानी है तो थोड़ी सी चीज़ डाल दीजिए, अगर विदाउट चीज़ बनानी है तो रहने दीजिए। अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। देखिए हमने अब इसमें थोड़ी सी चीज़ डाल दी है, अब इसको खिलाएंगे। देखिए अब ये बननी स्टार्ट हो गई है। देखिए इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। अब ये हमारे बन गई है, अभी इसको ठंडा करके जार में डाल दीजिए। मैंने गैस ऑफ कर दी है। देखिए ये हमारी पिज्जा सॉस बन गई है, अब इसको हम जार में डाल दें। ठंडी होने के बाद आप फ्रिज में रख सकते हैं। देखिए खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसकी, टेक्सचर कितना अच्छा है। ये हमारे पिज्जा सॉस हो गए रेडी। इसको ठंडा कीजिए, जार में डालिए और फ्रिज में रखिए। आप इस पर पिज्जा सॉस बना सकते हैं, पिज्जा बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, या आप पास्ता बना सकते हैं। ये खराब नहीं होएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर मेरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच। पूजा शर्मा। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू।